अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैडम क्या है? थाना क्षेत्र के अंदर द्वारा घटना हुई थी, जिसमें एक लगभग 45 वर्षीय महिला थी जो कि कस्तूरबा हॉस्टल में काम करती थी, और प्रतिदिन की भांति वो उस दिन भी हॉस्टल में सुबह 7 बजे के लगभग जा रही थी, लेकिन वहाँ हॉस्टल पहुँची नहीं। तो हॉस्टल के लोगों ने घर पे बात की, घर के लोगों ने ऐसा बताया तो निकल देंगे, फिर बाद में पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और रोड किनारे वो घायल अवस्था में है। तत्काल उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन उनका जीवन नहीं बच सका और उनकी चोट से डेथ हो गई थी। इस घटना के पश्चात जब पुलिस की संज्ञान में मामला आया और जांच पड़ताल शुरू हुई, परिवारजनों ने भी अपने स्तर से चीज़ों का पता करना शुरू किया, उसमें कुछ संदेहास्पद गतिविधि एक कार की दिखी। क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों ने अपराधी कृत्य किया है और उसको एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने हर एंगल को खुला रखते हुए जांच किया। इसमें तत्काल मर्ग की कायमी की गई जो कि नेचुरल डेथ में होती है, और जांच पड़ताल शुरू की। इसमें दो टीमें बनाई गई, जिसमें एक टीम उस जो संदेहास्पद कार्ड थी उसकी तलाश में लगाई गई, और दूसरी टीम तकनीकी रूप से या अन्य कोई क्या कारण हो सकता है जिससे उक्त महिला को कोई क्षति करने का प्रयास कर सकता है, इस संबंध में जाँच शुरू की। दोनों टीम ने जांच लगातार करती रही, इसमें लगभग 24 घंटे काम चला, तो फाइनली इसमें कार चालक का पता चला चेहरे का। उसको लेके पुलिस की टीम ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया कुछ इलाकों में, यहाँ से अपने को जानकारी मिली और तब विजयगंज मंडी क्षेत्र से उसको पकड़ा गया है। जब उनसे बातचीत की गई तो उसमें पता चला कि ये दो युवक थे जो कार में थे, और हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य बालिका से इनकी दोस्ती थी, हॉस्टल में इनका आना जाना था। इस बात की जानकारी जो मृतक का है उनको हो गई थी, और उन्होंने इस बात के लिए मना किया क्योंकि अनुशासन के खिलाफ था, कोई अन्य बाहर का व्यक्ति बालिकाओं के छात्रावास में आया जाए। इस बात को लेकर वो कहीं ना कहीं रंजिश और रोष रखते थे, और उस लिहाज से उन्होंने ये प्लान किया। बालिका एक हॉस्टल में थी जिसकी दोस्ती थी, और एक लड़कों का आना जाना था जिसकी जानकारी उनको लगती दोस्ती बताई जाती है। दूसरा लड़का उसका साथी था, लेकिन घटना के समय वो मौजूद था, घटना में था। ये कौन है जिससे दोस्ती थी, इसकी मुख्य मतलब इसमें कौन है? मुख्य इसमें अरुण है, और इसे पूछना चाहती सर ऐसी क्या वजह थी? सर कैसे है आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि जो कार थी उसका नंबर भी नहीं मिला था, सिर्फ CCTV फुटेज थे आपके पास? आपके सवाल में ही जवाब है, उसी को डेवलप करते गए और उससे अपने को नंबर है उसकी, और ये दोनों लड़के भी थे, और इन्होंने इस तरह से बनाया कि हम एक्सीडेंट का रूप दे देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, और जो भी उनकी रास्ते का कांटा है वो निकल जाएगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप की घटना थी जिसमें पुलिस की टीम ने बेहतरीन काम किया है, और 10,000 के पुरस्कार की घोषणा की गई है। साथ ही साथ बाकी समाज को भी आप लोगों के माध्यम से मैसेज है कि जो भी अपने बच्चे हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, और यह भी प्रचार प्रसारित करने की ज़रूरत है कि कोई कितना भी चालाकी से गलत काम करने का प्रयास करे वो ढूंढा जाता है और उसकी अंततः सजा होती है और जेल उसकी जगह है। तो इस तरह से ये पूरा घटना का खुलासा। सोनकच्छ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला थी जो कस्तूरबा हॉस्टल में काम करती थी। प्रतिदिन की भांति 8 फरवरी 2024 को भी वो सुबह जा रही थी, लेकिन हॉस्टल नहीं पहुंची, इसलिए हॉस्टल वालों ने घर पे पता किया। घर वालों ने हॉस्टल को बताया कि वो जा चुकी है, फिर उनकी तलाश की गई तो रोड किनारे उनको चोटिल होना पाया गया, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के दौरान संदेही कार का आगे पीछे होना पाया गया था, जो CCTV फुटेज वगैरह में दिखा, जिसको पुलिस ने डेवलप किया। परिजनों ने भी इस बात को लेकर संदेह जताया था, तो उसको डेवलप करने के बाद अपनी टीम ने उस कार को लोकेट किया। इसमें जो भी
भौतिक साधन थे और तकनीकी साधन थे, दोनों का उपयोग किया गया। वो कार लोकेट करने के बाद उसके सवार लोगों का भी पता किया गया और फाइनली उनको पकड़ा गया है। इसमें यह बात आई है कि हॉस्टल में रहने वाली एक बालिका के साथ इनकी दोस्ती और नज़दीकी संबंध थे। इनका हॉस्टल में आना जाना था, जिसको लेकर इन महिला ने मना किया था। इस बात से रोषित होकर उन्होंने इस घटना का प्लान किया, जिसमें बालिका और दो लड़के इस पूरे प्लान में शामिल थे। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपियों के नाम बता दीजिए। आरोपी इसमें अरुण है, अभिषेक है और एक बालिका है जिसका नाम राधिका है।